पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रावण दहन का एक मनोरम दृश्य। राम जी की सवारी आ चुकी है और उसमें आगे आगे हनुमान जी और सीता, राम, लक्ष्मण, ये तमाम लोगों की सवारी चली आ रही है, इस मैदान के चक्कर लगा रही है, जनता उनका अभिवादन कर रही है। दशहरा कमेटी पटना की तरफ से ये 64 सालों से ये परंपरा चली आ रही है यहाँ पर, जबकि ये रावण दहन का कार्यक्रम होता है। हालांकि इस साल भारी बारिश की वजह से ये पूरा मैदान लबालब था और ऐसे में ये आशंका हो गई कि शायद ये प्रोग्राम इस साल ना हो पाए, ये परंपरा टूट जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आप देख सकते हैं कि रावण खड़ा है, पिछले साल से भी 5 फीट ज़्यादा, यानी कि 75 फीट का रावण, उसके बाद कुंभकर्ण 70 फीट का। हालांकि कुंभकर्ण थोड़े झुके हुए दिख रहे हैं, इसलिए क्योंकि मैदान में नमी है अभी भी और रावण को भी खड़ा करने में काफ़ी दिक्कत हुई थी और कल शाम को रावण भी खड़े होने के बाद गिर गए थे, तो ऐसे में ये समस्या है। अभी ठंडी हवा चल रही है और ये बादल भी दिख रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये कार्यक्रम ख़त्म हो जाएगा। मुख्य अतिथिगण भी आ चुके हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तमाम लोग, और अभी से थोड़ी देर बाद ये रावण दहन का कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। लोगों में भारी उत्साह है, आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग आए हुए हैं। पटना डूबा हुआ था, बावजूद इसके अब उभर चुका है। लोगों में उत्साह है, जज्बा है और जो त्रासदी हुई है उसको भुलाकर एक बार फिर उत्साह और उमंग के साथ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, पटना।